बायदू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर 3 ट्रैक्टर और 4 ट्रॉली बरामद की। बायदू थाना SHO ललित चौधरी ने बताया कि सेवनियाला में हुई चोरी के मामले में कार्रवाई की गई। ट्रैक्टर ट्रोली चोरी के दर्ज मामले में बायदू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर 3 ट्रैक्टर और 4 ट्रॉली बरामद की है। जानकारी के अनुसार 20 मई को प्रार्थी शंभूराम पुत्र सीराराम जाति जाट निवासी सेवनियाली ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया था कि मेरा पुत्र कृष्णाराम नौसर भाखरी से ट्रैक्टर ट्रोली भरकर घर के पास ही सड़क किनारे खड़ा कर खाना खाने के लिए घर आया और वापस लौटने पर अज्ञात लोगों ने पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रोली को चुरा लिया। घटनाक्रम को लेकर बायदू थाने में पुलिस ने मामला संख्या 62/2020 दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के आदेशानुसार थानाधिकारी ललित कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने जांच पड़ताल एवं तकनीक सहयोग के आधार पर संदिग्ध गिरधारी रामपुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी हुडो की ढाणी बायदू को दस्तयाब कर गहनता से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर दिया, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और आरोपी की निशानदेही पर अलग अलग स्थानों से 3 ट्रैक्टर और 4 ट्रॉली बरामद कर ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी मामले का पर्दाफाश किया। दिनांक 20/5/2020 को शंभूराम जाट का कोई ट्रैक्टर चोरी हो गया था थाना हरका क्षेत्र से, जिस पर उसकी रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर मुलजिमानों की तलाश पड़ताल से की गई और थाना हरका की स्पेशल टीम हेड कांस्टेबल मोहन लाल के नेतृत्व में गठित कर अलग अलग जगह आसूचना संकलित कर व तकनीकी सहयोग से मुलजिम को दस्तयाब कर मुलजिम गिरधारी राम पचला राम जाट हुडो की ढाणी को दस्तयाब कर सघन पूछताछ कर उसको गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ करने पर उसने यहाँ थाना क्षेत्र से ट्रैक्टर में ट्रॉली जो चुराए थे वो ट्रैक्टर व अन्य थाना क्षेत्र से भी जो ट्रैक्टर चुराए हुए थे वो ट्रॉली बरामद की है। कुल एक थाना क्षेत्र से एक ट्रैक्टर में ट्रॉली व अन्य थाना क्षेत्र से 2 ट्रैक्टर व 3 अन्य ट्रॉलियां बरामद की गई है और सघन पूछताछ मुलजिमान से की गई है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी गिरधारी राम ने करीब 4-5 महीने पहले भोमाराम डौकिया नामक व्यक्ति से 20,000 रुपये में एक ट्रैक्टर में ट्रॉली खरीदी थी, जिसको आरोपी ने 70,000 रुपये में किसी और को बेच दिया। मुनाफा कमाने के चलते आरोपी ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। आरोपी द्वारा पहले रेकी कर बाद में वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी से अन्य ट्रैक्टर चोरी के मामलों के खुलासे के साथ सहयोगियों की तलाश करने में जुट गई है।